इस क्वेश्चन में कह रहा है टेल विच प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट हमें कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है ये बताना है तो हंड्रेड सेवेंथ क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें कह रहा है वन अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन सिक्स इंटू सेवन अपॉन नाइन और वन अपॉन फाइव इंटू फाइव अपॉन सिक्स इन टू सेवन अपॉन नाइन अब अगर आप देखेंगे राशनल नंबर्स सेम हैं और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है और लेकिन ब्रैकेट्स पहले लास्ट की दो राशनल नंबर्स हैं ब्रैकेट में और इस वाले में पहले के दो राशनल नंबर्स हैं ब्रैकेट के अंदर तो एक कौन सा लॉ लगता है ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव लॉ ऑफ़ मल्टीप्लीकेशन हमें सिर्फ प्रॉपर्टी बतानी है इसलिए सिर्फ प्रॉपर्टी ही बता रही हूँ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहता है पहले लास्ट की दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें या पहले की दो वैल्यूज मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए उसको लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम आएगा तो दिस इज आर आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है एक्स इन टू वाई करें या वाई इन टू जेड ये जेड नहीं है ये एक्स है वो कह रहा है क्वेश्चन में एक्स इन टू वाई करें या वाई इन टू एक्स करें आंसर सेम आना चाहिए तो फर्स्ट पार्ट लिख लेती हूँ अपना फर्स्ट पार्ट में एक्स दे रखा है हमें सेवन एंड वाई दे रखा है हमें वन अपॉन टू और हमें क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है x इन टू वाई करें या वाई इन टू एक्स करें आंसर सेम आएगा तो हम अपनी लेफ्ट साइड लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x इन टू वाई तो x है हमारा सेवन और y है हमारा वन अपॉइंट टू अब क्योंकि इसमें ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेवन वन जो सेवन और नीचे टू अब इसी तरीके से हम अगर अपनी राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड है y इन टू एक्स अब y है हमारा वन अपॉइन्ट टू और x है हमारा सेवन यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो अब अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड भी राइट हैंड साइड भी दोनों सेम आ रही है तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा x है टू पॉइंट थ्री और y है हमारा नाइन पॉइंट फोर तो हमें क्या प्रूफ करना है x इंटू वाई करें या y इं टू एक्स करें आंसर सेम ही आएगा तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x इंटू वाई तो x है हमारा टू पॉइंट थ्री और y है हमारा नाइन पॉइंट फोर अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे थ्री वन जो थ्री 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 इजा नाइन टू वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर तो ये कितना आ गया ऊपर थ्री बच गया नीचे टू अब इसी तरीके से हम अगर अपनी राइट हैंड साइड देखें राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना है वा वाई इंटू एक्स तो वाई है नाइन अपॉन फोर और x है हमारा टू अपॉन थ्री कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल करना है थ्री वन जो थ्री 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 इजा नाइन टू वन ज़र टू 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 ज़ा तो ये कितना आ गया ऊपर 3 बज गया नीचे 2 बज गया तो देखिए हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा x हमें दे रखा है माइनस फाइव अपॉन सेवन और y हमें दे रखा है फोर्टीन अपॉन तो हमें प्रूफ करना है x एक्स टू वाई करें या वाई टू एक्स करें आंसर सेम ही आएगा तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है हमारी एक्स इंटू वाई तो x है हमारा माइनस फाइव अपॉन सेवन टू वाई है हमारा फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे फाइव वन ज फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन सेवन वन ज सेवन सेवन टू ज फोर्टीन अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो देखिए माइनस प्लस माइनस सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस ऊपर टू बचे नीचे थ्री बचाए अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड देख लेते हैं राइट हैंड साइड में हमें करना है वाई इन एक्स तो वाई है हमारा फोर्टीन अपॉन फिफ्टीन और एक्स है हमारा माइनस फाइव अपॉन सेवन अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फाइव वन जो फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन सेवन वन ज सेवन सेवन टू ज फोटीन तो ये कितना आ गया हमारा देखिए ऊपर प्लस माइनस माइनस टू बज गया और नीचे थ्री तो अगर आप देखेंगे हमारी लेफ्ट साइड भी माइनस टू अपॉन थ्री है और राइट right साइड भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ लास्ट पार्ट है हमारा x दे रखा है माइनस थ्री अपॉन एट और y दे रखा है माइनस फोर अपॉन नाइन तो हमें प्रूव करना है x एन टू वाई करें या y इन टू एक्स करें आंसर सेम ही आएगा तो हम अपनी लेफ़्ट हैंड साइड देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x इन टू वाई तो x है हमारा माइनस थ्री अपॉन एट और y है हमारा माइनस फोर अपॉन नाइन क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं इसलिए ब्रैकेट में कर रही हूँ अब ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल होता है तो देखिए थ्री वन जो थ्री 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 ज नाइन फोर वन जो फोर फोर टू ज़ा एट ऊपर कुछ नहीं बचा है तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस और वन वन जो वन ऊपर वन बचा और नीचे टू थ्री ज़ा सिक्स अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड देख लेते हैं राइट हैंड साइड है हमारा वाई इंटू एक्स तो वाई है हमारा माइनस फोर अपॉन नाइन और एक्स है हमारा माइनस थ्री अपॉन एट ये फिर से ब्रैकेट में कर रही हूँ दोनों वैल्यूज अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फोर वन जो फोर फोर टू ज़ा एट थ्री वन जो थ्री 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 ज़ा नाइन अब देखिए माइनस माइनस प्लस ऊपर वन है और नीचे टू थ्री जिक्स तो अगर आप देखेंगे हमारी लेफ्ट साइड भी वन अपॉइन्ट सिक्स है राइट एंड साइड भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट एंड साइड इज इक्वल्स टू राइट एंड साइड आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी x इंटू वाई इंटू जेड वाई इंटू जेड ब्राकेट में है और इधर x इंटू वाई ब्राकेट में है और सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है ऑफ रैशनल नंबर बाय यूजिंग हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है और हमें इस प्रॉपर्टी में रखना है और देखना है कि क्या आंसर्स इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं वॉट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी और हमें बताना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है हमारा जिसमें एक्स दे रखा है वन वाई दे रखा है माइनस वन अपॉन टू और जेड दे रखा है हमें वन अपॉन फोर तो हमें प्रूव करना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो हम सबसे पहले अपनी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कितनी है एक्स एन वाई इंटू जेड तो देखिए एक्स है हमारा वन इंटू वाई कितना है वाई है हमारा माइनस वन अपॉन टू और जेड है हमारा वन अपॉन फोर तो अगर आप देखेंगे वन इन आप देखिए माइनस प्लस कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ऊपर नीचे तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस वन वन जो वन टू फोर ज़ो एट अब देखिए इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ वन है कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस ऊपर की ऊपर वन वन जो वन और नीचे एट ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड है एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो देखिए एक्स कितना है हमारा वन वन इंटू माइनस वन अपॉन टू इंटू जेड है हमारा वन अपॉन फोर तो ये कितना आ जाएगा देखिए किसी भी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी तो ये आ गया माइनस वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन फोर अब देखिए मल्टीप्लाई साइन है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहे ऊपर नीचे तो पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई और फिर ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे तो ये आ गया माइनस वन एट तो अगर आप देखेंगे हमारी लेफ्ट साइड भी माइनस वन एट है और राइट हैंड साइड भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स इज यू नेक्स्ट पार्ट नाउ अब ये कौन सी लॉ लग रहा है सारे पार्ट्स में हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है मल्टीप्लीकेशन अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब बी पार्ट में है एक्स दे रखा है टू अपॉन थ्री वाई दे रखा है माइनस थ्री अपॉन सेवन एंड जेड दे रखा है हमें वन अपॉन टू तो देखिए हमें प्रूफ करना है एक्स इंटू वाई इन जेड इक्वल है एक्स इंटू वाई इंटू जेड के तो कैसे करेंगे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कौन सी है एक्स इंटू वाई इंटू जेड है तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं एक्स है हमारा टू अपॉन थ्री इंटू वाई है हमारा माइनस थ्री अपॉन सेवन और जेड है हमारा वन अपॉन टू तो ये कितना आ गया देखिए अब यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे की नीचे तो सबसे पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और टू अपॉन थ्री एज इट इज इन टू प्लस माइनस माइनस थ्री वन जर थ्री टू सेवनजा फोर्टीन अब देखिए अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो टू वन जर टू टू सेवनजा दैट्स इट एंड थ्री वन जर थ्री थ्री वन थ्री अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा तो सबसे पहले साइन की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एंड वन बज गया ऊपर और नीचे सेवन बच गया अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड देख लेते हैं राइट हैंड साइड है हमारी एक्स एन टू वाई इन टू जेड तो एक्स है हमारा टू अपॉन थ्री एन टू माइनस थ्री सेवन टू वन अपॉन टू तो ये कितना आ जाएगा देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे अब ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो, तो प्लस माइनस माइनस टू जो टू अपॉन सेवन इंटू वन अपॉन टू अब फिर से जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे अब सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस ऊपर वन बज गया नीचे सेवन बज गया तो देखिए हमारी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों माइनस वन अपॉइंट सेवन आ गई है तो हम यहां लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स ले नेक्स्ट पार्ट नाउ अब सी पार्ट में कह रहा है एक्स है हमारा माइनस टू अपॉइंट सेवन वाई है हमारा माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स एंड जेड है हमारा वन अपॉइंट फोर और हमें प्रूव करना है x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल है x इंटू वाई इंटू जेड के तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x इंटू वाई इंटू जेड तो ये कितना आ गया x है हमारा माइनस टू अपॉइंट सेवन इंटू वाई है हमारा माइनस फाइव अपॉइंट सिक्स और z है हमारा वन अपॉइन्ट फोर तो देखिए कुछ भी ब्रैकेट के अंदर कैंसिल नहीं हो रहा है ऊपर नीचे तो हम ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू अपॉन सेवन एज इट इज़ ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस फाइव वन जो फाइव एंड सिक्स फोर ज़ा ट्वेंटी फ़ोर तो ये कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है अब जो ऊपर नीचे कैंसिल होता है पहले वो कैंसिल कर लीजिए टू वन ज़र टू टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर दैट्स इट और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो साइन की साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस माइनस प्लस तो ऊपर फाइव बज गया और नीचे ट्वेल्व सेवन जाइज एटी फोर आ गया राइट right? अब इसी तरीके से हम अपनी राइट हैंड साइड देख लेंगे राइट हैंड साइड देखें एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो ये कितना आ जाएगा माइनस टू अपॉन्ट सेवन इंटू माइनस फाइव अपॉन सिक्स इंटू जेड है हमारा वन अपॉन फोर तो देखिए ब्रैकेट के अंदर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे टू वन ज टू टू थ्री ज़ा सिक्स तो हमारा कितना आ गया ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस तो ऊपर फाइव बजे और सेवन थ्री ज ट्वेंटी वन इन टू वन अपॉन फोर अब देखिए कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो फाइव वन फाइव ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे दैट्स इट तो अगर आप देखेंगे हमारा लेफ्ट साइड भी फाइव अपॉन एटी फोर है और राइट हैंड साइड भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इसमें भी एसोसिएटिव लॉ लग रहा है राइट right? सारे पार्ट्स में एसोसिएटिव लॉ लग रहा है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ लास्ट पार्ट है हमारा एक्स हमें ज़ीरो दिया हुआ है वाई हमें वन अपॉन टू दिया हुआ है और जेड हमें वन अपॉन फोर दिया हुआ है राइट और हमें प्रूफ करना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जाएगी एक्स इंटू वाई इंटू जेड x है हमारा ज़ीरो इन टू वाई है हमारा वन अपॉइन्ट टू और z है हमारा वन अपॉइन्ट फोर वैसे तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा लेकिन फिर भी लॉ प्रूफ करने के लिए जीरो बाहर लिख रही हूँ एज इट इज़ अब इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ऊपर नीचे तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अब वन अपॉइन एट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा राइट हैंड साइड देख लेते हैं राइट हैंड साइड है हमारा x इंटू वाई इंटू जेड तो एक्स है हमारा जीरो इंटू वाई है हमारा वन अपॉन टू और z है हमारा वन अपॉन फोर तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा अब ज़ीरो इंटू वन अपॉन फोर अगेन किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा तो अब अगर आप देखेंगे हमारी लेफ्ट साइड भी जीरो है और राइट हैंड साइड भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी हमें प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि एक्स इंटू वाई प्लस जेड करें या एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड करें आंसर सेम आएगा तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट में x दे रखा है हमें माइनस वन अपॉन टू वाई दे रखा है हमें थ्री अपॉन फोर और z दे रखा है हमें वन अपॉन फोर और हमें प्रूफ करना है x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड तो अब हम अपनी लेफ्ट साइड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x एन टू वाई प्लस जेड तो देखिए x है हमारा माइनस वन अपॉइंट टू एन टू वाई है हमारा थ्री अपॉइंट फोर प्लस जेड है हमारा वन अपॉइंट फोर तो कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू एज इट इज़ एन टू अब देखिए अंदर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यूज में दोनों के डिनोमिनेटर फोर है तो फोर ही एल आ गया और जब सेम एल आ गया तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिख दी तो ये कितना आ गया माइनस वन अपॉइंट टू एज इट इज थ्री प्लस वन इज फोर अपॉन फोर अब देखिए कैंसिल कर देंगे जो कैंसिल होता है फोर वन जो फोर फोर वन ज फोर तो ये कितना आ गया माइनस वन अपॉइंट टू की मल्टीप्लाई वन में तो कितना आएगा माइनस वन अपॉइंट टू ही आएगा हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आता है क्योंकि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई था तो पहले साइन की मल्टीप्लाई की और फिर नंबर की राइट राइट हैंड साइड देख लेते हैं अपनी राइट हैंड साइड क्या कह रही है एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड कर लेंगे तो एक्स कितना है हमारा माइनस वन अपॉन टू और वाई कितना है थ्री अपॉन फोर प्लस एक्स है हमारा माइनस वन अपॉइंट टू और वाई कितना है वन अपॉन फोर तो कितना आ जाएगा देखिए इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ऊपर नीचे यहाँ ना यहाँ ना यहाँ तो ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस प्लस माइनस थ्री वन जा थ्री टू फोर ज़ा एट प्लस माइनस प्लस माइनस वन अपॉन एट अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो माइनस थ्री अपॉन एट प्लस माइनस माइनस वन अपॉन एट अब दोनों के नीचे एट है तो एट एल आ गया और ऊपर की वैल्यूज सेम एज इट इज़ दी तो कितना आ गया दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो आप उसमें ऐड हो गई साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फोर वन जा फोर फोर टू जा एट तो ये कितना आ गया माइनस वन अपॉइंट टू तो अगर आप देखेंगे हमारा लेफ्ट साइड भी माइनस वन अपॉइंट टू है और राइट साइड भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ अब आप सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है एक्स की वैल्यू है माइनस वन अपॉइंट टू वाई की वैल्यू है टू अपॉइंट थ्री और जेड की वैल्यू है थ्री अपॉइंट फोर और हमें क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है एक्स वाई जेड इज इक्वल है किसके x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड के तो कैसे करेंगे हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है x इंटू वाई प्लस जेड तो x दे रखा है हमें माइनस वन अपॉइन टू इंटू वाई दे रखा है टू अपॉन्ट थ्री और z दे रखा है थ्री अपॉन फोर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं माइनस वन अपॉन टू एज इट इज आप देखिए इन दोनों राशनल नंबर्स के बीच में प्लस साइन है तो हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे और दोनों अलग अलग नंबर्स है कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं ट्वेल्व आ गया अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो टू की मल्टीप्लाई फोर के साथ प्लस थ्री की मल्टीप्लाई थ्री के साथ ब्रैकेट क्लोज्ड तो ये आ गया माइनस वन टू टू फोर इज एट प्लस थ्री थ्री इज अन अपॉन टूल्व तो ये कितना आ गया माइनस वन अपॉन टू एट प्लस नाइनस सेवेंटीन दोनों प्लस के थे ऐड हो गए अपॉन ट्वेल्व अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है देखिए मल्टीप्लाई साइन है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है सेम नंबर से तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले साइन की साइन में मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस सेवनटीन वन जर सेवेंटीन एंड ट्वेल्व टू ज़र ट्वेंटी फोर तो माइनस सेवेंटीन अपॉन्ट ट्वेंटी फोर आ गया हमारा लेफ्ट साइड अब हम राइट हैंड साइड देख लेंगे तो राइट हैंड साइड है हमारा एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड अब वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ एक्स की वैल्यू थी माइनस वन अपॉइंट टू वाई की वैल्यू थी टू अपॉइंट थ्री प्लस ये एक ब्रैकेट में एक्स की वैल्यू थी माइनस वन अपॉन टू और जेड की वैल्यू थी थ्री अपॉन फोर तो अब देखिए जो कैंसिल होता है उसको वो कैंसिल कर देंगे टू से टू कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस ऊपर वन बचा तो माइनस वन अपॉन थ्री प्लस ये भी माइनस है देखिए माइनस प्लस माइनस थ्री वन ज थ्री अपॉन फोर टू ज एट अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं माइनस वन अपॉन थ्री ये एज इट इज लिखा प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन एट अब थ्री और एट जो डिनोमिनेटर में उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया अब माइनस वन में एट की मल्टीप्लाई और माइनस थ्री में थ्री की मल्टीप्लाई जब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं तो ये कितना आ गया माइनस एट वन ज एट माइनस थ्री थ्री इज नाइन अपॉन ट्वेंटी फोर अब दोनों वैल्यूज माइनस किए आपस में ऐड हो गई साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया अपॉन ट्वेंटी फोर अब अगर आप देखेंगे तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस सेवेंटीन अपॉन ट्वेंटी फोर है राइट हैंड साइड भी तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ सी पार्ट है हमारा x इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री एक्स की वैल्यू दे रखी है y हमें दे रखा है माइनस फोर अपॉन सिक्स और z हमें दे रखा है माइनस सेवन अपॉन नाइन और हमें क्या प्रूफ करना है x इंटू वाई प्लस जेड हमारा किसके इक्वल है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड के इक्वल है तो हम अपनी लेफ्ट साइड लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड है हमारी x इंटू वाई प्लस जेड तो एक्स है हमारा माइनस टू अपॉइंट थ्री एन टू वाई है हमारा माइनस फोर अपॉइंट सिक्स और प्लस जेड है हमारा माइनस सेवन अपॉइन नाइन तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं छोटा वाला ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो माइनस टू अपॉइन्ट थ्री एन टू माइनस फोर अपॉइन्ट सिक्स प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस सेवन अपॉइन नाइन अब सिक्स और नाइन में कुछ ना कुछ कॉमन है तो हम क्या करेंगे एल ले लेंगे सिक्स और नाइन का तो देखिए टू से गया टू थ्री इज़ा सिक्स नाइन एज इट इज़ थ्री से गया थ्री वन ज़ा थ्री 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 इजा नाइन नाउ थ्री वन ज़ा थ्री तो ये कितना आ गया टू थ्री इज इज़ा सिक्स सिक्स इजा एटीन एटीन हमारा एल आ जाएगा तो माइनस टू अपॉन थ्री एज इट इज़ एन टू आ गया एटीन अब देखिए सिक्स थ्री ज़ा एटीन होता है तो माइनस साइन एज एट इज़ थ्री की मल्टीप्लाई फ़ोर में देखिए ये माइनस साइन एज इज़ लिखा है सिक्स थ्री ज़ा एटीन होता है और ये फ़ोर एज it इज़ लिख दिया अब माइनस साइन ये लिख रही हूँ और हमें पता है नाइन टू ज़ा एटीन होता है तो टू की मल्टीप्लाई सेवन में अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये कितना आ गया थ्री फोर जा ट्वेल्व लेकिन माइनस का माइनस प्लस माइनस टू सेवन ज फोर्टीन अपॉन एटीन तो ये आ गया माइनस टू अपॉन थ्री एन टू अब दोनों वैल्यूज माइनस की है आपस में ऐड हो गई साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया अपॉन एटीन अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो टू वन जो टू टू नाइन ज़ा एटीन दैट सेट और कुछ नहीं कट रहा है तो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई तो देखिए माइनस माइनस प्लस ऊपर ट्वेंटी सिक्स बचा तो प्लस का ट्वेंटी सिक्स अपॉन नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है अब हम राइट हैंड साइड निकाल लेंगे तो अब राइट हैंड साइड लिख लेते हैं राइट हैंड साइड है हमारी x एन टू वाई प्लस एक्स इंटू जेड तो x था हमारा माइनस टू अपॉन थ्री और y था हमारा माइनस फोर अपॉन सिक्स ये एक ब्रैकेट में प्लस एक्स था हमारा माइनस टू अपॉन थ्री और वाई था हमारा माइनस सेवन अपॉन नाइन तो अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे टू वन ज टू टू थ्री जर सिक्स दैट सेट और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस ऊपर फोर है और नीचे थ्री थ्री जर नाइन तो फोर अपॉन नाइन अब इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस टू सेवन ज फोर्टीन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन तो अब एल सी एम ले लेंगे नाइन और ट्वेंटी सेवन का तो देखिए नाइन और ट्वेंटी सेवन में कुछ कॉमन है तो हम एल सी एम निकाल लेंगे थ्री थ्री इजा नाइन थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन अगेन थ्री थ्री वन ज़ा थ्री 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 इजा नाइन एंड थ्री वन ज़ा थ्री तो ये कितना आ गया थ्री थ्री इजा नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन हमारा एल सी एम आ गया अब देखिए नाइन थ्री ज़ार ट्वेंटी सेवन होता है तो थ्री की मल्टीप्लाई फोर में प्लस ट्वेंटी सेवन वन ज ट्वेंटी सेवन होता है तो वन की मल्टीप्लाई फोर्टीन में अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व प्लस फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी सेवन तो ये कितना आ गया ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी सेवन तो अगर आप देखेंगे हमारी लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ फोर्थ पार्ट है हमारा एक्स की वैल्यू है माइनस वन अपॉन फाइव वाई की वैल्यू है टू अपॉन फिफ्टीन एंड जेड की वैल्यू है हमारी माइनस थ्री अपॉन टेन तो हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है एक्स इन टू वाई प्लस जेड इक्वल है किसके x इंटू वाई प्लस एक्स एन जेड के तो अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारी x एन टू वाई प्लस जेड है तो अब वैल्यूज पुट करी हूं. x था हमारा माइनस वन अपॉइंट फाइव एन टू वाई था हमारा टू अपॉइंट फिफ्टीन प्लस और z था हमारा माइनस थ्री अपॉइंट टेन तो अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे माइनस वन अपॉन फाइव एज इट इज़ इन टू यह आ गया टू अपॉन फिफ्टीन प्लस प्लस माइनस माइनस थ्री अपॉन टेन अब टेन और फिफ्टीन में कुछ कॉमन है तो क्या करेंगे हम एल निकाल लेंगे इन टू देखिए एल निकाल लेती हूँ फिफ्टीन और टेन का तो फिफ्टीन और टेन का एल निकालेंगे टू से गया फिफ्टीन एज इट इज़ टू फाइव ज़ा टेन थ्री से जाएगा थ्री फाइव ज़ फिफ्टीन फाइव एज इट इज़ अब नाउ 5 फाइव से फाइव वन ज़ा फ़ाइव तो ये कितना आ गया टू थ्री ज़ा सिक्स सिक्स फाइव ज़ा थर्टी थर्टी एल सी एम आ गया तो ये देखिए फिफ्टीन टू ज थर्टी होता है तो टू की मल्टीप्लाई टू में ऊपर वाले टू में माइनस टेन थ्री ज़ा थर्टी होता है तो थ्री की मल्टीप्लाई थ्री में अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस वन अपॉन फाइव एज इट इज इन टू 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 ज फोर माइनस थ्री थ्री इ नाइन अपॉन थर्टी अब देखिए माइनस वन अपॉन फाइव तो एज इट इज आ जाएगा अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया अपॉन थर्टी तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फाइव से फाइव कैंसिल हो गया तो अब देखिए माइनस माइनस प्लस और कुछ नहीं कट रहा है इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रही हूं ऊपर की ऊपर ऊपर वन था तो वन लिख दिया नीचे थर्टी आ गया क्योंकि थर्टी वन से थर्टी अब इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं तो राइट हैंड साइड है हमारी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड अब एक्स की वैल्यू दे रखिए माइनस वन अपॉइन फाइव वाई की वैल्यू दे रखिए टू अपॉइन फिफ्टीन ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है माइनस वन अपॉन फाइव इंटू जेड की वैल्यू दे रखी है माइनस थ्री अपॉन टेन अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए इधर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ऊपर नीचे इधर भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करियो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई टू वन ज टू अपॉन फिफ्टीन फाइव जैनटी फाइव ब्रैकेट क्लोज प्लस अब देखिए माइनस माइनस प्लस थ्री वन ज थ्री एंड फाइव टेन फिफ्टी तो अब ब्राकेट ओपन कर देते हैं ये आ गया माइनस टू अपॉन सेवेंटी फाइव प्लस थ्री अपॉन फिफ्टी अब एलसीएम लेंगे सेवेंटी फाइव और फिफ्टी का अब टू से गया सेवेंटी फाइव एज इट इज तो ये आ गया ट्वेंटी फाइव ना थ्री से गया थ्री टू जो सिक्स थ्री फाइव जो फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव फाइव से गया फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव 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 जो ट्वेंटी फाइव अगेन फाइव से जाएगा फाइव वन जो फाइव तो देखिए कितना आया टू थ्री जो सिक्स सिक्स फाइव जो थर्टी थर्टी फाइव जन फिफ्टी तो ये आ गया वन फिफ्टी अब देखिए सेवेंटी फाइव टू ज़ा वन फिफ्टी तो ये माइनस साइन एज इट इज लगा रही हूँ टू की मल्टीप्लाई टू में कर रही हूँ प्लस फिफ्टी थ्रीजा इज वन फिफ्टी थ्री की मल्टीप्लाई थ्री में तो ये कितना आ गया माइनस प्लस माइनस टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री थ्री ज नाइन अपॉन वन फिफ्टी अब एक वैल्यू माइनस की है एक वैल्यू प्लस की है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया अपॉन वन फिफ्टी अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे फाइव वन ज फाइव फाइव थ्रीज ऑफ फिफ्टीन एंड जीरो तो हमारा आंसर कितना आ गया वन अपॉन थर्टी आ गया तो अब अगर आप देखेंगे हमारी लेफ्ट साइड भी वन अपॉन थर्टी है एंड राइट हैंड साइड भी वन अपॉन थर्टी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ